नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक नई मुसीबत में फंस गई है। एक नया घोटाला सामने आया है जिसमें यह पता चल रहा है कि 90,000 परिवारों को, जिसमें ज्यादातर दलित हैं, उनसे अनाज छीनने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। आतिशी मार लेना जो इस सरकार को चला रही है, अब उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। और एलजी साहब ने इस नए घोटाले के ऊपर जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर आप इस पूरे मामले को जानेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे दिन रात मीडिया के जरिए सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, गरीबों की मदद करने का कोई काम इन लोगों ने आज तक नहीं किया। फ्री बिजली, फ्री पानी का ढिंढोरा पीटते हैं जो मिलता नहीं दिल्ली में, कुछ परिवारों को छोड़ के। ये सुगुफा मीडिया के जरिए पूरे देश में फैलाता है और असल में ये दलितों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों से अनाज छीन लेता है, उन्हें भूखे मारने का काम करता है। आज खबर आई है तो पूरे आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या खबर आई है, जरा उसको देखिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना हैज डायरेक्टेड द चीफ सेक्रेटरी टू प्रोब द आप गवर्नमेंट्स अलेज्ड फेलियर टू इशू राशन कार्ड्स टू 90,000 पुअर पीपल। द डायरेक्टिव केम आफ्टर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली विजेंद्र गुप्ता अक्यूज द आप लेड दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ डिनाइंग एसेंशियल फूड सप्लाईज टू थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज एंड फेलिंग टू इशू देम राशन कार्ड्स। गुप्ता अक्यूज द आप गवर्नमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी। द गवर्नमेंट हैज स्नैच्ड फूड फ्रॉम माउथ ऑफ द पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड दलित्स, गुप्ता सेड। द आम आदमी पार्टी टर्न द एलिगेशन बेसलेस, मिलिशियस, कॉन्कॉक्टेड एंड मिस्चीवियस। क्या किया इन्होंने, राशन कार्ड ही नहीं दिया। पूरे देश में अनाज बांटा जा रहा है गरीबों को, दलितों को, और दिल्ली में राशन कार्ड ही नहीं दिया। राशन कार्ड है नहीं तो अनाज मिलेगा नहीं। पूरा मामला क्या है उसको समझना जरूरी है कि ये इशू आखिर है क्या। द इशू सेंटर्स अराउंड द अंत्योदय अन्न योजना AAY टू सप्लाई एसेंशियल राशन टू द पुअरेस्ट फैमिलीज इन द सोसाइटी। अंडर द स्कीम 1,56,800 फैमिलीज इन दिल्ली वेर इंटाइटल्ड टू रिसीव 35 kg ऑफ राशन एवरी मंथ बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। दिस इंक्लूडेड 21 kg ऑफ वीट, 14 kg ऑफ राइस एंड 1 kg ऑफ सुगर। ये स्कीम जो है ये पूरे देश में चल रहा है। ये अंत्योदय योजना हर गरीब को मिल रहा है। सेंटर की ये योजना है, हर जगह पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, जब राशन कार्ड होगा। उसके तहत क्या क्या मिलता है, 21 केजी गेहूं, 14 केजी राइस और 1 केजी चीनी। दिल्ली में नहीं मिल रहा, किन लोगों को नहीं मिल रहा है उसको आप समझिए। एट द टाइम व्हेन द आप गवर्नमेंट केम टू पावर इन 2015, 76,458 पुअर फैमिलीज वेर रिसीविंग राशन अंडर द स्कीम। हाउएवर आफ्टर नियरली अ डिकेड दिस नंबर हैज ड्रॉप टू 66,532। अराउंड 10,000 फ्यूअर फैमिलीज आर रिसीविंग राशन व्हाइल द नंबर शुड हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। ऑफ द 1,56,800 फैमिलीज एलिजिबल, 90,000 इंडिविजुअल्स हैव नॉट बीन इशूड राशन कार्ड। जब ये आए थे तो डाटा क्या कह रहा है, 2015 में 76,000 फैमिलीज को मिल रहा था ये अनाज। लेकिन पिछले 10 सालों में संख्या घट गई, संख्या बढ़नी थी। तो जो डाटा है वो डाटा के मुताबिक इस वक्त 1,56,800 फैमिलीज को ये मिलना चाहिए था, 90,000 लोगों को नहीं मिल रहा है। कारण क्या है,
कारण यही है कि राशन कार्ड तैयार ही नहीं किया, दिया ही नहीं, मना कर दिया, रोक लगा दी। क्यों रोक लगाया? इसी की अब जांच हो रही है। वो अनाज कहाँ गया, ये स्कीम क्यों फेल हुई, ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में आएगी कि किसकी कोताही की वजह से गरीब परिवारों को जो उनका अधिकार है, जो पूरे देश में सबको मिल रहा है, वो दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा। और मजेदार बात, कोई मीडिया वाला इस सवाल को नहीं उठाएगा। कारण एडवर्टीजमेंट लेना है। क्या इतने सारे रिपोर्टर्स जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आरती उतारते रहते हैं, उनको मालूम नहीं कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा, दलितों को ये समस्याएं हो रही है? ना जी ना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह की स्टोरी चलाएंगे तो फिर पंजाब से भी ऐड नहीं मिलेगा, दिल्ली से भी ऐड नहीं मिलेगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। गरीब मर रहे हैं, दलितों के मुंह से अनाज छीना जा रहा है, छीन लेने दो। तो इसलिए कंप्लेंट किया गया। क्या कंप्लेंट किया गया? इन जुलाई 2019 द दिल्ली गवर्नमेंट फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एलिजिबल फॉर राशन कार्ड्स एंड सबमिटेड इट टू द डिपार्टमेंट मिनिस्टर इमरान हुसैन फॉर अप्रूवल। हाउएवर इट इज अलेज्ड दैट द हुसैन हाल्टेड द प्रोसेस इंस्ट्रक्टिंग दैट द इशुएंस ऑफ राशन कार्ड बी स्टॉप। 2019 में जुलाई के महीने में ये सारा सब कुछ तैयार हो गया और इमरान हुसैन, ये केजरीवाल के चहेते मंत्री, उनके पास भेज दिया गया। लेकिन राशन कार्ड इशू करने के बजाय इमरान हुसैन ने कहा कि नहीं भाई, इसको अभी इशू मत करो। तुच्छ राजनीति जिसे कहते हैं। क्या है कहानी, ये भी समझ लीजिए। क्यों रोका गया? क्योंकि अगर मिलेगा तो फिर चुनाव नजदीक था। 2019 में चुनाव हुए, 2019 के लास्ट में, और अगर गरीबों को अनाज मिलेगा, लोग कहेंगे कि दलित और गरीब के कहेंगे भाई मोदी का अनाज खा रहे हैं, राशन कार्ड ही मत दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो आपने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए भाई कोई अनाज नहीं मिल रहा मोदी के द्वारा, आपने राशन कार्ड देना ही बंद कर दिया। क्योंकि अगर राशन कार्ड मिलता तो अनाज भी मिलता, अनाज मिलता लोग कहते कि मोदी से अनाज खा रहे हैं, पूरे देश भर में लोग कहते हैं गरीब। तो दिल्ली में आपने इस पूरे प्रोसेस को रुकवाने के लिए आपने ये घटिया हरकत की। क्यों किया? आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये भी सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी का रिस्पांस क्या है। द आप अक्यूज्ड गुप्ता ऑफ हैविंग इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेड डायरेक्शंस फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज एट वन पॉइंट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ AAY फैमिलीज एंड एप्लीकेंट्स एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट द मिनिस्टर हैड डायरेक्टेड द FNS फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट टू कीप द प्रिपरेशन ऑफ राशन कार्ड फॉर एप्लीकेंट्स इन अबेंस फॉर सम टाइम। अब ये क्या बहानेबाजी कर रहे हैं कि लिस्ट तो आ गई थी, बात सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये सारी चीजों को मिसकोट किया जा रहा है। वो तो हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कि कहीं गलत हाथों के में राशन कार्ड न चला जाए, उसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का इस्तेमाल ना करने लग जाए, इसलिए उसको हमने रुकवा दिया था। भाई रुकवा दिया तो दिया क्यों नहीं? अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्या कर रहे थे? आपने क्यों रुकवाया? क्यों नहीं इशू किया? आपकी ये राजनीति की वजह से ये 90,000 लोगों के मुंह से निवाला आपने छीन लिया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? दिक्कत क्या है कि लोग जाते नहीं है, बताते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ये डर्टी गेम खेल रहा है आपके साथ, गरीबों के साथ। तो ये सिर्फ कि बीजेपी की तारीफ ना हो इसलिए इसे रोका गया, और रोकने के बाद फिर सो गए। आप कह रहे हो कि भाई जो कंप्लेन किया गया है वो टोटली मिलासियस है, वो आपने इंटेंशनली ये सारी चीजों को जो है गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया है, तो सही चीज बता दो। सीधा सीधा सवाल है, राशन कार्ड मिला लोगों को? नहीं मिला।
अनाज मिला लोगों को? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कौन है जिम्मेदार? आपकी घटिया राजनीति। अब चुनाव नजदीक आए हैं, अब यह मामला उठा है, जांच के आदेश दिए गए हैं। आज दिन भर तो नजर नहीं आ रहा है कहीं पे टेलीविजन चैनलों के ऊपर यह खबर चलते हुए, आगे भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारी नजर इस खबर पे बनी रहेगी। हम लोग जाएंगे, पता करेंगे कि भाई गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यह अनाज, यह स्कीम, जिस स्कीम से पूरे देश के गरीबों को फायदा हो रहा है। दिल्ली के गरीबों ने कौन सा पाप किया है जो केजरीवाल ने इनसे इनकी अनाज को छीन लिया? आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।